उधम सिंह नगर में इन दिनों शहर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर में आए दिन कहीं न कहीं चोरी की घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भदईपुरा में रुद्रपुर किच्छा नेशनल हाईवे के पास का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने अतुल सिंह की ज्वेलरी शॉप में सेंध मारकर लाखों का माल पर हाथ साफ कर दिया, जो कि ये पूरी घटना सीसीटीवी में लाइव कैद हो गई है। सारा सामान कुछ भी हो जाए बंदे को मिलनी चाहिए। आज आप ऊंचे हजारों की है। ये मुसलमान लग रही है अभी कुछ नहीं बोल सकते। बताया जा रहा है कि पीड़िता स्वर्ण व्यवसायी अतुल सिंह कल देर शाम 7:30 बजे अपनी दुकान बंद कर लौट कर चला गया था, तो वहीं आज सुबह जब वह दुकान में पहुंचा तो अंदर का नजारा देख हक्का बक्का रह गया। दुकान में सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद व्यवसायी अतुल सिंह ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। शॉप मेरी भदईपुरे में है, सीमा ज्वेलर्स नाम से, और अभी आकलन नहीं लगा सकते क्योंकि अभी देखा ही नहीं गया कि अंदर कितना गया है माल, क्या लेके गए हैं चोर दुकान में से। तो जब ये तफ्तीश होगी, मैंने रिपोर्ट लिखाई है पुलिस को चौकी में, अब वो पता चलेगा तब जानकारी हो पाएगी उसमें क्या गया है क्या नहीं गया। मैं शाम को 7:30 बजे दुकान बढ़ा के घर आ गया था, और रोज़ की तरह जैसे सुबह मैं जाता हूँ तैयार होकर 10 बजे शॉप पर, तो मैं गया हूँ, मैंने शटर उठाया तो उसके बाद अंदर देखा तो अंदर से दीवार टूटी हुई थी, तो अंदर से देख के तभी मैं एकदम से घबरा गया। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 112 पे डायल किया, तो वहाँ से पुलिस आई है। ज्वेलर शॉप में चोरी की सूचना मिली है, जिसमें पुलिस ने जो मौके का निरीक्षण किया है, और इसमें जो उनके द्वारा बताया गया है लगभग 4 से 5 किलो नई पुरानी दोनों ही तरह की चांदी इनकी चोरी गई, और बाकी गोल्ड का जो भी सामान है वो उसको तस्दीक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं गया, बाकी इसमें हम लोग जो है तहरीर आ गई है, हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं इसमें, और इसका शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। कुछ फुटेज हमें मिली है इसके संबंध में, और उसमें टीमें लगाई गई हैं, और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। फिलहाल पुलिस 3 चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।